आ जाओ तड़पती है अरमा, अब रात गुजरने बाली है, अब रात गुजरने बाली है। आ जाओ तड़पते हैं अरमा, अब माँ भाओ माँ माँ। बस तेरी जई बात हमें बहुत बुरी लगत, हमेशा लेट, कबू टाइम पे नहीं आता। क्या करें, अम्मा जग रही थी। अरे तो दिशा मैदान का बहाना बना दी थी। अम्मा को शक होगा बिकी थे तुम्हारे दिशा मैदान को, बार बार पेट ही खराब होते रहते। कल तो मैं ब्याजी के पास तो आके चली। ऐसा कम्बल लेके क्यों नहीं आया मेरी तरह? अरे तुझे नई सेट दिखानी थी, कैसी है देख? बढ़िया है। ऐसे ही तेरे लिए भी एक, ऐसे ही झांसी की फैक्ट्री से तेरे लिए भी ऐसे ही कपड़ा लाऊंगा, लाइलॉन है पूरा। अब रोज रोज ऐसे नहीं आऊंगी, अम्मा को शक हो गया। अरे हाँ ठीक है, तुझे तेरे लिए एक शेर सुना रहा हूँ। अभी आए अभी बैठे, अभी कम्बल संभाला है, और तुम्हारा की जाओ जाओ ने हमारा दम निकाला है। वाह वाह, बिजू का है। अब बैठ, अपने से कोई आ गया यार। अब मैं जाऊं? अभी रुक तो जाओ, अब फिर कब आओगी? एक हफ्ते बाद। इतना जुलम मत कर बाबा, अम्मा को शक हो गया है अब। अरे तू इतना नहीं, परसों आना। नहीं एक हफ्ते बाद आऊंगी, मैं जा रही हूं। ओके बाय। 7 दिन बाद आज तो बिल्कुल तुम सही टाइम पे आई है। आ बैठ। अरे मुनरी, आज जब से अपना लवी फर्स चला है, आज तुम बिल्कुल सही टाइम पे आई है। आज लोटी लेके नहीं आई? अरे लाई है। अच्छा, अरे मुनरी आज तू बोल कुछ क्यों नहीं रही? अच्छा शर्म आ रहा है। अच्छा बिजू का है। अरे मुनरी अपना ये चेहरा तो दिखा थोड़ा। ओ मुनरी, ओ नहीं हो, नहीं हो, ओ नहीं हो, दुनिया उठ पटांगा। आज तक अपने गांव में भज्जा कहूं यसो नहीं भाओ, नहीं भाओ भज्जा यसो बोना बोनी ने को जो हुरो जो कबू नहीं भाओ। आज पेरी दा गांव भर की बदनामी है जा में। पुरका पार्टी कथाई पे बैठत थी, आज तक जो नहीं भाओ भज्जा है। गईलू पीलू को चक्का तो पहली बार आ हुरो, पहली बार जा को निवारण तो होए कछु भाई। तो बजान में हो तो शहरन में सुनते पहले पहले बंबई दिल्ली में, अब तो जो मैं जो अपने गांव में होन लगो। जा तो बहुत हद है भज्जा, आज जा के संगे हो रहा सकाए भज्जा दूसरे के संगे हो। अपने मोड़ी मोड़ा सबरी पे गए जे फे तो। हां बहुत गलत बात भाव ना, ऐसा गांव में होने नहीं तो। अब आजकल तो भज्जा ऐसा होगा कि दिल लगा गधी से तो परी क्या करेगी, और दिल लगा गधे से तो उसने क्या करेगा। भज्जा सब चल रहा हो आजकल तो। अरे भज्जा जो होता तो शहरन में, अब गांव में होन लगो। देखो भज्जा जो गलत तो गलत करो, गलत तो गलत है। योज भज्जा सरपंच साहब बढ़िया फैसला करे। सरपंच साहब आ गए देखो सब जने। राम राम सरपंच जी। राम सरपंच साहब, बैठो सरपंच साहब। राम राम भैया सभी जन को राम राम पहुंचे, सरपंच साहब को राम राम पहुंचे। राम 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 राम। बैठ जा भैया सब जने। बिना सूझे गांव को सरपंच है, उन्हें पे निर्भर है। सबरे मोनी मोड़ा बेगा जे हमाए हो चुना हो सब के हो सरपंच के सब बेगा जे। शांत रहो भैया, आरो अब हम आ गए, हम सब निपटाएं दे रहे। काय गोदन तुम पे आरोप है कि तुम जब पराई बिटिया किसे खेतन में चुप चुप के से मिलत तो कितने मिले। एकदम पिछड़ो भाव तो गांव है तुम, एक सिनेमा हॉल नहीं है। अब जी सरपंच साहब जो कह रहा है हम कि जब गोदन कैसे यहाँ सिनेमा ना हो कछु नहीं हो, लेकिन इज्जत तो सबके है के नैया। मोड़ा ने गोदन ने कही तो सही है, कहते ना टाकिज है, ना सिनेमा घर है, ना पार्क है। तो मोड़ा लालटेन तक तो है जो इतने गांव में, ना गैस बत्ती ना कछु।
तो क्या तो लड़का सही रहो। देखो सरपंच साहब ऐसो है कि आठ बिरादरी में एक ही हम ही ऐसे हैंगे कि हमारे पास गैस बत्ती नहीं, तो जो सब जो है व्यवस्था आप समझो जा बात की। सही बात है सरपंच जी, कितने शर्म की बात है कि पूरे आसपास के गांव के हमन की मजाक उड़ाओ कि हमन की बिरादरी में नैया गैस बत्ती हुआ सब है। अपन और ने इतना रुपया गैस बत्ती के लाने इकट्ठा करो तो वो कहाँ है? सही बात है, को पता पाँच ना हिसाब को पता चल रहा हूँ कहाँ है पता ही नहीं पड़ रहा कहाँ गाँव। अरे पंचो जो पैसा अपन ने इकट्ठा करो तो वो सुरक्षित है, वहाँ में देरी जा से हो रही कि अपन नो कछु पैसन की कमी आ रही, तो बेजल्दी से जल्दी हम व्यवस्था करे ले रहे और अपने गांव के लाने पंच लाइटन की व्यवस्था हो ही जा रही, बिल्कुल परेशान नहीं होने अपन को। भैया सरपंच साहब ने कह दी कि अब तो लाइट की सुविधा तो अपन को मिलने ही मिलने, बहुत ही जल्दी मिल जाने अब तो। सही है, अब तो अपनी प्रसन्नता की बात है, बड़ी खुशी है। तो भरपूर विश्वास है सरपंच साहब को, अपने बाल बच्चों को कीड़ा पतीरा कछु तो अपने सब सुरक्षित अपने हो जाए। अब सुनो जो मुद्दा तो अपनो है सो निपट जे, सबसे महत्वपूर्ण अपने लाने मुद्दा है जो गोदन भाव, सब में पहले जोन के लाने पंचायत जुड़ी बापा निपटा रहे। ठीक है सरपंच साहब, देखो गोदन तुमने गलती तो करी है, अब तुम बताओ कि अब तुम्हें हम कहाँ सजा दें। हमने कौन गलती गलती नहीं करी, हमने क्या गलती करी, मारो और अलग से देखो। नहीं तो तुमने ऐसे काम करे सो मारो तो मार भी लायक हो, तुम्हें जो नहीं लगी कि पराई बिटिया के संग हमारे गांव के आदमी इज्जत के लाने जान दे दे। अब गोदन तुम्हें सही सही बताओ कि तुम मौड़ी से खेतन में अकेले मिलवे जाते कि नहीं जाते। हम तो खुलेआम मिलवो चाह, दिन दहाड़े मिलवो चाह, लेकिन उनकी मताई मिलने ही नहीं देते, लोहे की बीच में दीवार बन के खड़ी हो जात। हमारी पूछ लो मुनिजी से, हमारी मुनिजी के प्रति हमारी बिल्कुल प्रेम भावना बिल्कुल शुद्ध है। सरपंच साहब जो लड़का एक नंबर को चक्का है और मुनिजी को देख देख के गंदे गंदे गाना गाओ। और का तुम्हें देख के गाए? अब चुप रहो गुलकारी काकी को बुलंद, कौन सा गाना गाते जो आ जाओ रात गुजरने वाली है। रुक जाओ हम बताए पूरी आ जाओ तड़पते हैं अरमा, रात गुजरने वाली है। जो मोड़ा ऐसा गाओ तू गाना तो जाओ मैं गंदो कहा है। रामलीला में दो साल पहले हम रामलीला नाम बनाते और जब भी जो ही गाना जही धुन में सेम टू सेम जही धुन में गाना गाते आ जाओ की मूर्छित है लक्ष्मण, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है। तब तो किसी ने कुछ नहीं कहा था, बाबा की थी ताड़ियां बजाई थी। अरे गोदन का गाना गाओ तो तेने बाद में वाह दिल करेजा फेफड़ा सब कचू निकाल के धर दो। देखो भज्जा जाने जो है गोदन ने जब से जो रोल चलाओ, जब से एक बात बताएं कि सावन भादों में जैसी जो जेरे लगा थे ऐसे हम आसमान की जेरे लगी रही। सभी को यही हालत हो, हम तो इतने रोए थे कि अपने बाप के मरे में नहीं रोए थे इतने। हाँ भज्जा एक बात तो सही है कि गोदन से अच्छो राम को पाठ रामलीला में को नहीं देते तो। इतनो बढ़िया पाठ देता है कि सबको मन हर्षित हो जाते तो। सब जने सबसे अच्छो कलाकार है। जहाँ पे कौन सी ऐसी भौरा पड़ गई? कहा भज्जा जो बताओ जो पहले जो है रामलीला में इतनी रुचि लाए तो वो अब जो इतनो फड़ील काय हो रहा हो, अब जो हवा दूसरी खा गाओ। नहीं वो मनाबू सब जने है? सब जने मनाबू के बड़ी से अच्छो को कलाकार है। अगर रामलीला में जो इतना अच्छो पार दे तो सबको प्रिय है। भज्जा जा मैं तो मैं नहीं मानो जा मैं तो भज्जा जा से बहुत दूरी बनाने पर मुए। काय बेटा गोदन जो बताओ कि अब तुम जा रामलीला की मने काय करा तो इनकी मताई के कारण हमने कही थी कि हम रामलीला में राम को पाठ करें, हम राम के पाठ के संगे मुनि जी को सीता जी बनाओ, लेकिन इनकी मताई नहीं हमारी मौड़ी नहीं बने सीता, तो हमने मना कर दी। तुम हमें तो बता दे गोदन हम बात कर दी। साहब यही मोड़ा की सुनत रहो का हमारी ना सुनो का नहीं तो हम गांव छोड़ के जा रहे हैं। अरे रुक जाओ काकी से आओ, अगर तुम उन्हें चली जाओ तो गांव वाय और दुनिया हम पे थूके के नहीं थूके। तुम काहे परेशान हो रही कि पंचायत जाई के लाए जुड़ी और हम तो जाके रहे जो अपनी पंच लाइट के लाने जो राशि कम पड़ रही थी वो गोदन भरवाए, गोदन पे अपन जुर्माना लगा के भरवाए के आगे जो ऐसा कौन कदम न उठाए। अगर हम जुर्माना भर दें तो मुन्नी के संगे गाना गा सका? नहीं। अरे काकी कितनो अच्छो मीठो तो जो गाते जामे हर जगह है तुम्हें बताओ तो ठीक है इनके गाना सुनो तुम, हम जा रहे अपने घरे मोड़ी खले के। अरे काकी रुको इतनो गुस्सा अच्छो नीरत तुम जो क्यों वो हम गोदन को सजा दे, आओ बैठो इतने आओ पंचायत में। माँ क्या वो जो है को हुक्का पानी बंद। हाँ तो ठीक है रखो अपना हुक्का और पानी अपने पास, हम जा रहे गाँव छोड़ के डैम फूल। और हाँ यहाँ थूकने भी नहीं आएंगे थूकने। वो तो चलोगा गोदन जो होने तो होगा,
अब अपन को सुनो बिन्नू, अब अपन को क्या करने, पंच लाइटें ले भी अपन को जल्दी से जल्दी अपन को चलने और पूरे गांव भर में पंच लाइटें अपन को लगवाने, और तुम सब ने समय दो, बाकी लाने सभी जनों को धन्यवाद और राम राम। सरपंच साहब की जय। आई है ही गांव जगमगाएगा, रोशनी आई है, सरपंच जी लाइट लाए, लाइट आ गई, नए जमाने की गांव रोशनी से भरपूर हो जाएगा। बधाई हो सरपंच जी, अपने गांव में पंच लाइट आ गई। कितनी खुशी की बात है सरपंच जी के अपने गांव में पंच लाइट आई। आप लोगन को भी बहुत बहुत बधाई के, जो सब आप लोगन के सहयोग से ही हो सको। सुबह में आपको भी तो सहयोग रहो है सरपंच जी। हाँ, तो हमारा सहयोग तो आप सबके सहयोग से है, आज पंच लाइट आई। प्रधान जी का विशेष सहयोग होता है, सबसे आगे प्रधान जी की चीजें ले आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सरपंच जी। सरपंच जी, मट्टी को तेल मंगा लो और जा पंच लाइट जला लो। अरे सरपंच जी, जा जलाने भी आउत का तो बच्चा जाए तो जलाने ही आए। अरे राम राम राम, कितने खट काम करने आउतियां जला, बिना जले दद्दा जा मैं रोशनी कैसे आए। सरपंच जी, दूसरे गांव से कोई दूसरो जलायो बुला लो, बनी जल रही का तो दिमाग खराब हुआ का। दूसरे गाँव से अगर कोई बुलाए तो अपने गांव की का इज्जत बचे के बताओ, दूसरे के गांव के अपने पंच लाइट को जलावे आए, केन वन पंच लाइट लो नहीं है उतना जलावो। अरे जिंदगी भर तानो मिले अपन को के इनके गांव में कोनु पंच लाइट जलाए वाओ नहीं मिलो, तो बच्चा अपने को जलाने जा। जा तो बात सही कह रहे आप प्रधान जी, सरपंच जी आप सही कह रहे हैं, बदनामी हो जाए अपने गाँव की। तो जा तो देखो, अपनी इज्जत को सवाल है, पंच लाइट तो अब अपने लोगन को जलाए। सही बात है, अपने वहां जलाए, आप सही कह सरपंच जी। चले जाए जाए। दो तीन घंटा तो हो गए, अब जाको जो समझ में नहीं आ रहा कि अपन को जाको जलाने कैसे है। भाई सब जने को अपने समझदार आपस में सब बैठ के जलाओ। तुम बताओ कौन अपनो हुए ऐसो। अपने गांव में एक लड़का जला ली तो को गोधन। तुमने जब से कही नहीं बताई गोधन, तो गोधन गांव में है ही नहीं, गांव से वो बाहर है, वो हुक्का पानी बंद है उनको। आज यार तुम्हारे बा को पता करो कहाँ है, वो अपन भाई लुवा ले आए। अब तुम जाओ गोधन को जैसे जैसे भी माने बेजे तुम भाई मना के ले आओ, और गोदन पंच लाइट जलाया गोदन। ठीक है सरपंच जी, जाओ थे तो लुभा के ले आओ। जा जल्दी रॉकेट से जाओ, उड़ा चले जाओ, आओ, तो आओ, जाओ। चले जाओ। काय महाराज, वो बिजू का गाँव दो ढाई घंटा तो हो गए भाई। दो ढाई घंटा से कम नहीं भाई, अपन देखा तेरे सोई जल जाएगा जा। सरपंच जी, अरे वो नहीं आओ, वो नहीं मान रहा हूँ, कह रहा हमें कौन से कोनू मतलब नहीं जाना, हम आ रहे हैं गांव। नहीं बताई कि सरपंच साहब ने बुलाओ, पंच लाइट आ गई गांव में। हमने उसे कही थी, हमने की सरपंच जी ने बुलाओ, तुम्हारा हुक्का पानी आज से समाप्त हो गो, जो भी तुम्हें सजा दी थी वह माफ हो गई, और तुम्हें सरपंच जी ने बुलाओ है गाँव में, आ जाओ। वो नहीं आओ, वो नहीं माने आओ महाराज। अब बताओ क्या करें अपन। अच्छा कहते कि उनसे तुम्हारा बार लड़की से शादी करा दे, जो नौका पानी सब माफ है, लेकिन वह लाइट जला जाओ पंच लाइट। तो पंच लाइट ये ले तो क्या कह, गाँव भांजी आए में डरो, इसे अच्छी बात मोड़ी भी याद हुआ से। तो एक काम कर रहे है अपन सब जने, मोड़ी खुलवा के तीन चल रहे है, मोड़ी की मताई खुलवा चल रहे है, और वे अपन को मनाने जो अपने मोड़ी को भविष्य के संगे संगे अपने गांव गांव भर से जोड़ो। सही बात क्या सरपंच जी, बहुत अच्छी बात है। पंच लाइट नहीं जला पाए तो पूरे गांव में अगल बगल के थूथू हो जाए। काकी अब तुम जाओ गोदन को मना के ले आओ, बाहर से पंच लाइट जलवाना। हम नहीं जा रहे मनावे। काकी तुम्हारे कहवे से हमने गोदन को हुक्का पानी बंद करो, तो आज जब अपने गांव की इज्जत को सवाल है कि अपन पूरे गांव पंच लाइट जला तो पानी रहो, आपने भी देखो, तो अगर पंच लाइट नहीं जले तो पूरे गांव में थूथू हुई है।
चलो तो लुगा नहीं आन गोदन चलो मना ले आन। या गोदन जो भाव सुबह पे पानी डालो भूल जाओ भाई, अब इज्जत तुम्हारे हाथ में है, अब गांव की इज्जत जब पंच लाइट भैया तुम्हें को जलाने। अरे जल गए भैया हमारे गांव भाई को जो किया वो है सब जन को के यार लाइट जो है पंच लाइट उसको जला दूं जलाने महाराज। अबे देखो तुम जय मनरी की। महाराज मान गए यार महाराज। तो कैसी लगी आपको वीडियो सीन भैया की? बहुत अच्छी। ये बहुत ही तड़ाकेदार वीडियो बनी है, इसमें बहुत ही मेहनत लगी है, तो सीनी भैया कुछ बोलना चाहेंगे? बिल्कुल भैया बहुत मेहनत लगी, बहुत एक्साइटेड हैं सब लोग देखने के लाने, तो इंतजार करो बहुत जल्दी आपके सामने वीडियो आ जाएगी। तो जय राम जी की जय बुंदेलखंड जय बुंदेलखंड।